प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता का निधन हो चुका है उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने व उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना चलाई है। इस योजना में चयनित बच्चों को सामाजिक अधिकारिता विभाग प्रमाण पत्र जारी करता है और उन्हें योजना के लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। सिरमौर जिला में भी सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा योजना के पात्र लोगों का चयन जारी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 426 लोगों को चयनित किया गया है जो कि योजना के पात्र होंगे। इनमें से 390 को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं जबकि 12 ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने हाल ही में लगभग 9 लाख की राशि शिमला में प्रदान की है। इसके तहत जिला सिरमौर में अभी तक हमने 426 अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, ये आइडेंटिफाई किए हैं और इनको सरकार पर विभिन्न स्तरों पे आईयू के विभिन्न स्तर पे अलग अलग स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे बच्चों के हमने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनाए हैं और 426 में से 390 बच्चों को हम ये प्रमाण पत्र वितरित कर दिया है। 12 बच्चों को लगभग 8.5-9 लाख रुपये की राशि से लाभान्वित कर चुके हैं।